करिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसका 13वां बाब जो 13 आयात पर मुश्तमिल है। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जबाने बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठन ठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं, और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहां तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है, मोहब्बत को जवाल नहीं, नबूवते हों तो मौकूफ हो जाएंगी, जबाने हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईने में धुंधला सा दिखाई देता है मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे, इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। गर्ज़ ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं मगर अफजल इनमें मोहब्बत है।